नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे YouTube चैनल पे दो तरह की वीडियो डाली जाती है, एक पब्लिक सपोर्ट के लिए, दूसरा आशा और एएनएम सपोर्ट के लिए। तो आज की हमारी ये वीडियो यूविन ऐप के बारे में है, जिसमें हम जानेंगे कि यूविन ऐप में वैक्सीनेटर प्री रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसे शेड्यूल कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की सूचना मिल पाए। तो जैसे ही आप यूविन ऐप को लॉगिन करते हैं तो उसका फर्स्ट जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरह का यहाँ पर शो हो जाता है। तो आपको सबसे पहले यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में सिलेक्ट फैसिलिटी पे क्लिक करके अपनी जो सीएससी है पीएससी है वो सिलेक्ट कर लेना है फर्स्ट वाले से। और नेक्स्ट में सेशन साइट में आपको यहाँ से आपकी जो साइट जहाँ पे है वो सिलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे क्लिक करके दूसरे वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपका जो सेशन है यहाँ नीचे इस वाली जगह पर दिखाई देगा, तो हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सेशन यहाँ पे ऑन गोइंग है, मतलब कि हमने पहले से स्टार्ट कर रखा है यहाँ से। तो प्री रजिस्ट्रेशन के लिए सेशन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। यहाँ सबसे पहले शेड्यूल दिया गया है, उसके बाद वेरीफाई और नेक्स्ट में वैक्सीनेटेड जो बच्चे हैं वो यहाँ पे शो होंगे, उसके बाद रिजेक्ट पे। तो चलिए हम सेशन में, तो बेनिफिशियरी को रजिस्टर करने के लिए हम एरो वाले इस आइकन पे क्लिक करेंगे या फिर सेशन पे क्लिक करके प्लस वाला आइकन होगा तो उस पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ प्री रजिस्ट्रेशन आएगा, यहाँ क्लिक करते ही तीन ऑप्शन जो आएंगे हमारे पास, तो यहाँ से प्री रजिस्ट्रेशन पे ओके करेंगे। ओके करते ही हमारे पास जो इंटरफेस आता है यहाँ पे गार्डियन का हमें रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब कि जो बेनिफिशियरी आपके पास बच्चे को लेके आएंगे बच्चे के मदर या फादर का आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है पहले, उसके बाद बच्चे को ऐड कर देना है उसमें। तो चलिए हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले बेनिफिशरी का मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद फिर कंफर्म में मोबाइल नंबर को एंटर कर लेना है। नेक्स्ट में जो उसका बर्थ ऑफ ईयर है गार्डियन का वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद जो टाइप ऑफ कैटेगरी है वो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे सिटीजन और प्रेग्नेंट, तो आपको सिटीजन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट में उसका जो फुल नेम है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है, और मेल फीमेल को सिलेक्ट करने के बाद उसकी जो आईडी है आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी जो भी बेनिफिशरी के पास है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके उसको एंटर कर देना है। जैसे हम यहाँ पर आधार को सिलेक्ट करेंगे तो उसका जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे लाइव कर लेते हैं। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुली आ जाता है, और उसके बाद ये ऐड चाइल्ड का ऑप्शन भी यहाँ पे हमें दिख जाता है। तो यहीं पे हम क्लिक करके चाइल्ड का जो डाटा है वो एंटर करेंगे, मतलब कि चाइल्ड को रजिस्टर करेंगे यहाँ पे। तो चलिए ऐड चाइल्ड पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे ओके हो जाता है, और यहाँ पे गार्डियन का नेम यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो नीचे ब्लैंक डाटा है इसमें बच्चे की इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करनी है, बच्चे का फुल नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के ऑप्शन से सेलेक्ट करके डेट ऑफ बर्थ उसकी यहाँ पे एंटर कर लीजिए, और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से टाइप ऑफ कैटेगरी खुद से सेलेक्ट हो जाती है। उसके बाद मेल फीमेल में आपको सेलेक्ट करके आधार कार्ड में पहले से ही गार्डियन का यहाँ पर एंटर हुआ होता है उसे ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके जैसे ही सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सक्सेसफुली शेड्यूल हो चुका है बच्चा,
यहाँ पे देख सकते हो आप एक आ चुका है, मतलब कि एक बच्चा शेड्यूल आ चुका है। जैसे ही शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बच्चे की आधार केवाईसी करनी है। यदि आप बच्चे का फ़ोटो ले सकते हो तो आधार केवाईसी होगी उसकी, लेकिन यहाँ हम मैनुअल वेरिफिकेशन करने वाले हैं तो मैनुअल वेरिफिकेशन पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करके इस तरह के पेज पे हम फिर से आ जाते हैं। यहाँ नीचे जो है ईयर ऑफ बर्थ, बच्चे का जो बर्थ ईयर है वो एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे मेंबर वेरीफाई सक्सेसफुली आ चुका है। उसके बाद यहाँ से फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो बच्चे का जो वैक्सीनेशन वाला यहाँ पे पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो करंट वैक्सीनेशन, तो आपको बच्चे का जो प्रीवियस वैक्सीनेशन रिकॉर्ड है वो एंटर करने के लिए यहाँ प्रीवियस वैक्सीनेशन पे क्लिक करना होगा, क्योंकि आप उसका जो रिकॉर्ड पिछला एंटर करोगे तभी उसका करंट वैक्सीनेशन में यहाँ पे शो होगा। तो चलिए हम प्रीवियस वैक्सीनेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं तो सभी टिकों की डिटेल यहाँ पे शो हो जाती है। तो यहाँ पे हम सभी टिकों की एंट्री करेंगे बच्चे के रिकॉर्ड के हिसाब से, मतलब कि जो उसका टिकों का कार्ड है उस कार्ड से उसका BCG, पेंटा, MR जो भी अब तक का जो रिकॉर्ड है वो एंटर करने के बाद यहाँ पे जैसे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो उसका जो टीके की डेट है BCG की वो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आप ईयर सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ से आप डेट को सेलेक्ट कर पाओगे। तो इसी तरह BCG की तरह आप सभी टिकों की एंट्री करेंगे। तो ये OPV है, OPV मतलब कि जो पेंटा के साथ OPV दी जाती है। अगर उसे पेंटा के तीनों के तीन पेंटा थर्ड तक उसको टीके लग चुके हैं तो आपको तीनों की डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है एक साथ। तो चलिए हम वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। सभी टीकों की इसी तरह से एंट्री कर लेनी है जहाँ तक उसका वैक्सीनेशन हो चुका है आज को छोड़कर। टीकों की एंट्री कैसे करनी है वो आप देख चुके हो। यहाँ पे हम वन बाय वन एक एक करके सभी टीकों का रिकॉर्ड एंटर कर चुके हैं और लास्ट में यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। ये जो सभी टीके हैं जो हम एंटर कर चुके हैं वो एक साथ यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको नीचे स्क्रॉल करके इस रिकॉर्ड को सबमिट कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हम करंट वैक्सीनेशन पे खुद से ही बैक हो जाते हैं, मतलब कि जो हमारा पिछला डाटा है वैक्सीनेशन का वो हम एंटर कर चुके हैं, अब करंट वैक्सीनेशन में हम आ चुके हैं। तो अब हमें जो उन सभी टीका लगना है यहाँ पे शो हो चुका है, तो अब उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। जैसे ही हम यहाँ चेक बॉक्स पे टिक आउट करेंगे तो वैक्सीनेशन के लिए जिस भी डोज के लिए बच्चा एलिजिबल है वो यहाँ पे शो हो जाएगा, तो उसको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। तो हमारे पास OPV बूस्टर के लिए एलिजिबल है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से दिखाएगा। तो यहाँ पे हमने सभी को सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद नेक्स्ट करने पे ये जो फिर से रिकॉर्ड को शो करेगा तो यहाँ पे वैक्सीनेट मेंबर को क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वैक्सीनेटेड सक्सेसफुली में ये बच्चा चला जाता है, मतलब कि जो आज के सेशन था उसमें जो है ये बच्चा वैक्सीनेट हो चुका है। अब इसको यहाँ से अनोलेजमेंट स्लिप को भी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे, जो इसका सर्टिफिकेट है वैक्सीनेटेड कार्ड डाउनलोड अनोलेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल में हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाता है। और ये आप देख सकते हो ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। तो हमारी नेक्स्ट दो वीडियो आने वाली हैं जिसके टॉपिक हैं क्या आप यूविन ऐप में
गलत हुई एंट्री को, बच्चे का जो वैक्सीनेशन कार्ड है उसमें आप गलती कर देते हो तो उसको एडिट कर सकते हो या नहीं। और दूसरा टॉपिक है कि आप पहले से जो प्री रजिस्ट्रेशन हुए हैं उन्हें शेड्यूल कैसे कर सकते हैं अपने सेशन में, जो बिना सेशन के रजिस्टर हुए हैं उन्हें शेड्यूल कैसे कर सकते हैं अपने सेशन में। तो उन दोनों वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होके नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ सकें। और नेक्स्ट वीडियो की सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हमारी नेक्स्ट वीडियो की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।